वेलकम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ओके, आज आप सीखेंगे कैसे आप अपनी वेबसाइट को गूगल में इंडेक्स कर सकते हैं गूगल में। ओके बड़ा, गूगल में इंडेक्स करने के लिए वाहिद एक जरिया है, वो कौन सा वाला? वो है गूगल सर्च कंसोल। वाओ, ओके, तो आपने सिंपल गूगल में टाइप करना है गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। और जो ही आप गूगल सर्च कंसोल टाइप करेंगे तो गूगल जो है वो आपको कुछ रिजल्ट सामने शो करेगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो है वो बहुत फिरकी घूम रही है, तो इंटरनेट का थोड़ा यार इशू बन रहा है, तो इसलिए फिरकी घूम रही है, तो थोड़ा सा इधर वेट कर लेते हैं। उतनी देर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। अगर आपको पसंद आती है ये वीडियो लाइक कर दें, अभी से लाइक कर दें, क्या बात है, क्या बात है। तो ये देख लें, गूगल भी होश हो गया, तो उसने लिंक अपन खोल दिया, अपन ओपन कर दिया। तो यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर आपने क्लिक करना, ये लिखा हुआ है गूगल सर्च कंसोल टूल्स, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल टूल्स पे जस्ट आपने वन प्रेस करना होगा और कुछ इस तरह की जो है वो आपके सामने वेबसाइट आ गई, जो आ जाएगी, जो कि गूगल सर्च कंसोल की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने जिस इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है, स्टार्ट नाउ पे, ठीक है। तो ऊपर ये फिर की घूम रही है, जो कि डिपेंड इंटरनेट स्पीड, और कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके सामने इस तरह का पेज ओपन ना हो, ठीक है। उसकी रीज़न है ये कि मैं वीडियो बना रहा था, मुझे पता था कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग आना है, लेकिन बाद में मुझे पता स्क्रीन रिकॉर्डिंग आना नहीं है, तो इसलिए ये सब पेज मेन इंटरफेस ओपन हो चुका है, ठीक है। इसलिए, ठीक है, इस वजह से आपके सामने वो कुछ इस तरह का पेज आएगा। आपको मैं स्क्रीन शॉट शो करवा रहा हूँ, ये दो बॉक्स हैं, यानी ये दो हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो इसमें अपनी डोमेन इंटर करनी होगी, ठीक है। डोमेन यानी अपनी जो है वो ब्लॉगर का URL, ठीक है, अपनी इंटर करनी, जस्ट सबमिट पे क्लिक कर देना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जो कि गूगल सर्च कंसोल का है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो आपने के ने करना ही है कि आपने आपको एक तरह ऑप्शन मिलेगा साइट्स मैप का, आपने जस्ट साइट्स मैप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो वो कह रहा है कि इंटर साइट मैप URL, वो कह रहा है कि एड ए न्यू साइट मैप, ठीक है। अब आपने यहाँ पर करना ये है कि सबसे पहले आपने टाइप करना है इधर आपने अपना वेबसाइट का URL आपने टाइप करना हो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने कॉपी किया हुआ है, हाँ कॉपी किया हो, ठीक है। तो आपने अपनी वेबसाइट का URL कॉपी करना है, जहाँ पर पेस्ट करना है, और उसके साथ स्लैश के बाद sitemap.xml, ठीक है। जस्ट आपने .xml यानी sitemap.xml टाइप करना है, जैसे सबमिट पे क्लिक करना है, और जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ नीचे इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं ये ऑलरेडी ऐड हुआ है, जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि उसकी प्रॉब्लम बन गई थी, ठीक है। आप तो इस दिन आपके सामने लिखा होगा सक्सेस, ठीक है, यानी ये साइट मैप सक्सेसफुली आप इजीली इस तरह से सबमिट कर सकते हैं। उसके आगे लिखा हुआ है 31 का मतलब यह है कि पोस्ट है, ठीक है। अभी मैं आपको अपना जो है वो ब्लॉगर ओपन करके दिखा देता हूँ। ये जितनी आपने पोस्ट लिखी होंगी अपने ब्लॉगर में उतनी आगे शो कर देगा, और ये जो है वो गूगल पे इंडेक्स करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर आपके जो पोस्टें जो है वो जो भी आपने लिखा होगा वो 101% रियल होगा, यानी कॉपी पेस्ट ना होगा, तो वो जल्दी गूगल उसको जो है वो सबमिट कर देगा, ठीक है। अभी आपको मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ, इसको मैंने अपने ब्लॉगर को ओपन किया है। तो यानी इस तरह से आप अपनी कोई भी यानी जो है वो पोस्ट को इंडेक्स कर सकते हैं मैनुअली। अगर आप किसी भी चीज़ को इंडेक्स करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपने इसका URL टाइप करना होगा, जैसे सबमिट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो ब्लॉगर मेन डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, तो यहाँ से आपको मैं जरूर उसकी पोस्टें दिखा दी, देख रही है 31 पोस्टें, और यहाँ पर देख सकते हैं 31 यानी 31 पोस्टें जो है वो गूगल में इंडेक्स होने के लिए जल्द अमन जा चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए वही अकाउंट है zohebtechnicality.com। और मजीद अगर आपके पास कोई दूसरी वेबसाइट है, यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करके दूसरे अकाउंट को यानी दूसरी वेबसाइट को ऐड कर सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो को पसंद नहीं होगी, या लाइक ठोके, सब्सक्राइब ठोके, शेयर करें इस वीडियो को, सब पसंद नहीं है कमेंट्स बॉक्स फीडबैक दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।